वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि आगामी जीएसटी कमेटी की बैठक में उत्तरी भारत के राज्यों को लेकर एक मत रखा जाएगा। मनप्रीत बादल लुधियाना पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत करने के अवसर पर एक रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने यहां आने संबंधी अपने मकसद के बारे में बताया, वहीं उन्होंने इन विकास कार्यों को एक साल के भीतर पूरा करने का भरोसा भी दिया। जेड़े सरकार दे मंसूबे है जेड़े कि कांग्रेस पार्टी दे मैनीफेस्टो दे विच दर्ज है, उदे विच एक गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना वास्ते और एक एग्जीबिशन सेंटर जेड़ा कि इंडस्ट्री दी बड़ी लंबी देर तो ये मंग सी कि एग्जीबिशन सेंटर जेड़ा है वो लुधियाने विच आवे। तीसरा एक क्लब दी इमारत जेड़ी है उदा उद्घाटन, ते चौथा जेड़ा है जेड़ा ट्रीटमेंट प्लांट जेड़ा है उदा उद्घाटन। सो ये चार प्रोजेक्ट जेड़े कि सरकार दे इस साल दे बजट स्पीच दा हिस्सा सन, वो उन्होंने अज उद्घाटन होए। और जिस तरह तुसी पुछया कि ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰ कहा कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में सिद्धू ने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया, हालांकि यदि ऐसा कुछ मामला है तो उसको सुलझा लिया जाएगा। बड़े खुशगवार माहौल दे विच कैबिनेट मीटिंग हुई, सिद्धू साहब ने पूरा उस मीटिंग दे विच योगदान पाया, बड़े अच्छे सुझाव दिते और जे कोई नाराजगी सी तो वो मंजरे आम ते नहीं लैके आए। और जिवें देखो कैबिनेट दे विच तां जिवें भरा एक दूजे नाल अगर कोई थोड़ा बहुत किसी नूं कोई गिला गुजारी है तो मैं आई एम श्योर उहदा कोई ना कोई हल जिहड़ा निकल, बिल्कुल नाराज नहीं। वहीं मनप्रीत बादल ने अकाली दल की ओर से सरकार पर किसानों को ट्यूबवेल की बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद करने संबंधी लगाए आरोपों पर कहा कि सरकार ये सब्सिडी नकद देने जा रही है जो सीधा किसानों के खातों में जाएगी। किसानों ते ना तो बिजली के बिल लग रहे, ना किसानों के मीटर लग रहे। पंजाब दे विच 6 फीडर है जिथे टेस्ट के तौर पर पायलट के तौर पर असी ये कीता कि उन्हां ते मीटर ला के ते जिहड़ी सबसिडी है हर ट्यूबवैल ते सबसिडी 48,000 रुपया सरकार दिंदी है, असी वो सबसिडी जिहड़ी 48,000 किसान दे खाते च पा दांगे। किसान अपना ट्यूबवैल चला ले, हर महीने बिल दे दे, ते जे फर्ज कर लो वह बिजली बचा सकदा है। जे 48 की जगह 30,000 रुपया उन्हूं उहदा बिल आंदा है, 18,000 अपने कोले रख ले। वहीं मनप्रीत सिंह बादल ने पेट्रोल एवं डीजल के रेटों में बढ़ोतरी की निंदा भी की। अज तक कदी 70 रुपए का पेट्रोल या 60 रुपए का डीजल नहीं विकिया सी, जो कच्चे तेल दीआं कीमतां $140 सी, अज कच्चा तेल 70 ते है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह जिहड़ा एक्साइज अपनी वधा के इहनूं 70 ते 60 ते लै, कांग्रेस पार्टी का यह मुतालबा है, साडी पेशकश है और ये काउंसल च असी रेज कीता सी और जेटली साहब मन गए है। अगली जिहड़ी काउंसल की मीटिंग होगी वो एजेंडे च होएगा कि जिहड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट है, इहनूं GST दे दायरे च लैके आया जाए क्योंकि इकोनमी का एडा वड्डा हिस्सा है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।